हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, नीड एंड अप्रोच कि किस तरह से हम क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड की क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च में। तो जिसकी भी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट है और ये टॉपिक है वो ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है? और पूरा देखना, वरना फिर बाद में पूछते रहते हो कि लिखना क्या है आंसर में। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बीएड एमएड से रिलेटेड वीडियोज के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो। चलो तो पढ़ते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली तो इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है क्लासरूम मैनेजमेंट की, सबसे पहली बात। लेकिन इसको किस तरह से डिफाइन कर रखा है या किस तरह से इसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, कुछ मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, प्रोसेसेस हैं, अप्रोचेस हैं, या वो सभी चीज़ें हैं जिसके जरिए एक टीचर या एजुकेटर अपने क्लासरूम को मेंटेन करता है बिहेवियरल डिस्टरबेंस होने के बावजूद, या ऐसी चीज़ें करता है जिससे बिहेवियरल डिस्टरबेंस क्लास में ना हो और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से चलती रहे, क्लासरूम अच्छे से मैनेज रहे, मेंटेन रहे, ठीक है? तो आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट इज ऑल द मेथड, स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस, अप्रोचेस दैट इज बीइंग यूज्ड बाय टीचर्स और एजुकेटेड टू मेंटेन द क्लास डिस्पाइट ऑफ बिहेवियरल डिस्टर्बेंस और टू मिनिमाइज द बिहेवियरल डिस्टर्बेंस टू एनहेंस द लर्निंग, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में आपको जैसे भी डिफाइन करना है कर देना। और क्या कर सकते हैं, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से देना, ताकि बच्चों की लर्निंग और अचीवमेंट इंक्रीज हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट लर्निंग होगा, जितना ज़्यादा एंगेजिंग एनवायरनमेंट होगा, लर्निंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है? तो इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ा जाता है, अच्छे से फॉलो किया जाता है, ठीक है? जैसे आपने क्लासरूम में सुना ही होगा कि कई बार प्रिंसिपल आके कहता था क्लासरूम में कि मैम या सर, आपकी क्लास अच्छे से मैनेज नहीं है। तो मैनेज का मतलब क्या है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे अच्छे से बैठे नहीं हैं, है ना? और बच्चों की लर्निंग उतनी अच्छे से नहीं हो रही है जितनी अच्छे से सोचा गया था, ठीक है? तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम ऐसा कहता रहता है ना? बहुत कॉमनली सुना था कि क्लास को मैनेज कर लो, बहुत शोर आ रहा है। तो बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट को बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन इसका मकसद पूरे क्लासरूम को मैनेज करना है, सभी वो चीज़ें प्रोवाइड करना है जिससे लर्निंग अच्छी हो सके, ठीक है? और उनका, बच्चों का बिहेवियर, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है वो कम से कम हो सके। तो क्लासरूम मैनेजमेंट और क्या है, मेन पर्पस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट का, क्लासरूम को कंट्रोल करना, ठीक है? और करता कौन है, टीचर करता है, ताकि क्लास अच्छे से स्मूथली चल सके। क्लास का स्मूथली चलना इन द सेंस कि लर्निंग अच्छे से होती रहे, ठीक है? तो नीड क्या है, क्यों जरूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट? तो लर्निंग के लिए जरूरी है ताकि प्रोडक्टिव क्लासरूम बन सके। जितनी ज़्यादा क्लासरूम मैनेज होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और लर्निंग टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है? देन है प्रॉपर बिहेवियर, क्लासरूम मैनेज होगी, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से होगी, सब कुछ अच्छे से होगा, तो जो बच्चों का बिहेवियर है वो भी अच्छा रहेगा या बच्चे भी मैनेज रहेंगे, ठीक है? वरना आप खुद सोचो कि चेयर यहाँ वहाँ पड़ी है ना, और अच्छे से मैनेज नहीं है तो बच्चे फिर यहाँ से वहाँ जाते रहेंगे और वो डिस्टर्बेंस कॉज करता है। तो इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट या क्लासरूम को प्रॉपर मेंटेन करना, उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि बच्चों का बिहेवियर भी मैनेज रहे। और क्या ज़रूरत है, टाइम सेविंग है। जब सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज रहती हैं तो टाइम सेव होता है ना। अगर सपोज करो दो कमरे हैं, एक अच्छा कमरा है, अच्छा कमरा इन द सेंस सभी कुछ मैनेज है, प्रॉपर जगह पे रखा है, और दूसरा कमरा बहुत गंदा है, कुछ भी मैनेज नहीं है, कोई भी चीज़ें एक जगह नहीं रखी है ना, तो टाइम खराब होगा। टाइम कहाँ बचेगा, जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज्ड हैं, ठीक है? तो इसलिए जब चीज़ें मैनेज्ड रहती हैं तो वहाँ पे टाइम वेस्टेज कम होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे डस्टर लेने के लिए यहाँ वहाँ भागते हों, या कोई स्मार्ट क्लास का पेन ही लेके कहीं गुम हो गया हो, कहीं रख दिया हो, है ना? तो
तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए टाइम वेस्ट को रोकना है। और इसमें हमारा हमारी जो क्लास क्लासरूम मैनेजमेंट करने की स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैनेज होगा तो इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से डिलीवर होगी। चलो देन आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, जब क्लासरूम अच्छे से मैनेज होगी तो टीचर और स्टूडेंट का दोनों का ही फोकस रहेगा, अटेंशन और ज़्यादा रहेगा। कहाँ पे रहेगा, जो चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जानी, मतलब जो भी कंटेंट है, जो भी लर्निंग है, उसी में अटेंशन रहेगी। सपोज करो यहाँ पे बोर्ड है और यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, विंडो खुली है, तो बच्चों का ध्यान हो सकता है बाहर जाए, ठीक है। तो ये सभी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है ताकि टीचर का और स्टूडेंट का ध्यान केवल और केवल लर्निंग की ही तरफ रहे, ठीक है। बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए भी क्लासरूम मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसे मेथड्स, स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस जरूरी हैं ताकि बच्चे एंगेज रहे। जितना ज़्यादा एंगेज रहेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। चलो और क्या है, कोलैबोरेशन। तो टीचर सभी के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, हो सकता है कुछ एक्सपर्ट हो सकता है क्लासरूम, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, दूसरे टीचर हो, तो सभी के साथ मिलके क्लासरूम को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें सभी का कोलैबोरेशन, इवन बच्चों का भी कोलैबोरेशन जरूरी है। कैसे ज़रूरी है, कि बच्चे आपस में कोलैबोरेट करें, रिस्पेक्ट सीखें, आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ग्रुप में काम करेंगे तो एक्सप्रेशन भी सीखेंगे, दूसरों को समझना भी सीखेंगे, है ना। और जब ओवरऑल क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा तो अच्छे से लर्निंग होगी, ठीक है। सिंपल सा, बहुत जनरल आप समझ सकते हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट वो सभी चीज़ें हैं जिसके जरिए क्लासरूम अच्छे से रन कर सके। और क्या है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के जरिए भी हम एक क्लास को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ना, और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस को रोक सकते हैं कि अगर किसी ने शरारत करी तो फिर सज़ा मिलेगी, दैट काइंड ऑफ थिंग। अभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे अप्रोचेस में। सीटिंग अरेंजमेंट भी क्या है, एक तरह से ज़रूरत है, और वो सीटिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत आई ही क्यों, ताकि जो क्लासरूम है वो अच्छे से मैनेज रह सके, ठीक है। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट होगी, बच्चों को बार बार यहाँ वहाँ उठ के नहीं जाना पड़ेगा या ब्लैक बोर्ड पे सारा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट का ही पार्ट है। चलो देन है कि जब प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट होता है तो टीचर्स की कंसिस्टेंसी भी इंक्रीज होती है, वो कंसिस्टेंसली अच्छा रिजल्ट देते रहते हैं। सिंपल सी बात है, सभी चीज़ें मैनेज हैं, सभी चीज़ें अच्छे से रन कर रही हैं, क्लासरूम क्लास स्मूथली चल रही है, किसी भी तरह का बिहेवियरल डिस्टर्बेंस नहीं है, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स टीचर अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ड्यूटी ही किसकी है, टीचर की है, ठीक है। टीचर का केवल कंटेंट डिलीवर करने का काम नहीं है, कंटेंट डिलीवरी के साथ साथ उसको मैनेजर की तरह भी देखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह भी देखना पड़ता है, फैसिलिटेटर की भी तरह देखना पड़ता है, मतलब जैसी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है एक टीचर को। तो टीचर की ड्यूटी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को कौन अच्छे से निभा सकता है, जिसने अच्छे से ट्रेनिंग करी हो और जिसने टाइम के साथ चीज़ें सीखी हो, और एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। चलो देन है अप्रोचेस। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए या अच्छे या इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट को अच्छा किया जा सकता है ना, सेफ हो, क्लीन हो, वेल मैनेज्ड क्लासरूम हो, एस्थेटिकली मतलब वो सुंदर दिखें, जो भी चीज़ें हों वो अच्छे से हों, उसमें एस्थेटिक वैल्यू इन द सेंस कि किसी भी तरह का क्लासरूम में कोई कबाड़ ना हो, कूड़ा ना हो, इन द सेंस सब कुछ चीज़ें अच्छे से मेंटेन हो, मतलब हमारा ध्यान ना भटके, बच्चों का ध्यान ना भटके। टीचर्स का खुद का रोल और एटीट्यूड, उनका नज़रिया बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जा सके। क्यों, क्योंकि टीचर का ही एटीट्यूड ऐसा नहीं, उसका नज़रिया ही ऐसा नहीं कि टीचर सोचता है बस कंटेंट डिलीवरी करो और बाहर निकलो, है ना, तो वो नज़रिया नहीं होना चाहिए। टीचर को हमेशा एक इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए सोचना चाहिए, तभी हम क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अथॉरिटी कई बार ज़रूरी रहता है, अथॉरिटी दिखाना, तो टीचर को ये भी सो करनी चाहिए टाइम टू टाइम, जैसी भी सिचुएशंस हो। देन है मैनेजिंग द क्लासरूम एक्टिविटीज।
तो टाइम टू टाइम जो भी क्लासरूम के विजन हैं, गोल्स हैं, उनको डिस्कस करना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो भी एक जरूरी चीज़ है। क्योंकि जब एक डेफिनेट विजन रहता है, गोल रहता है, तो स्टूडेंट टीचर उस गोल की तरफ बढ़ते हैं। देन है बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना। कैसे रखा जा सकता है? सपोज किसी को कम दिखता है तो उसको आगे बैठाया जा सकता है, किसी को कम सुनाई देता है तो उन बच्चों को ब्लैक बोर्ड के पास बैठाया जा सकता है या टीचर के पास बैठाया जा सकता है ना। कई बच्चों में हो सकता है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो तो उनको दरवाज़ों के पास या विंडोज़ के पास ना बैठाया जाए, ऐसी चीज़ें है ना। या जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो उनको टाइम टू टाइम बच्चों के साथ सुना जाए, ये भी ड्यूटी बनती है। क्योंकि जब इंडिविजुअल नीड्स पूरी होंगी, जैसा कि मैस्लो का हायरार्किकल मॉडल या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लर्निंग की, कि बच्चों की बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब बेसिक नीड पूरी होती है तो लर्निंग पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। तो इसमें साइकोलॉजी वर्क करती है, तो जब ये चीज़ें होंगी तो लर्निंग अच्छे से होगी। देन है सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिवनेस। तो बच्चों में एक लर्नर्स में ये दोनों चीज़ें होना जरूरी हैं, आपस में सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, और जब कोऑपरेशन होता है तो क्लासरूम अच्छे से मैनेज रहती है, एक दूसरे का साथ देते हैं और वो समझते हैं कि बिहेवियरल डिस्टरबेंस करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर उस सभी चीज़ों के लिए टीचर का पोटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो और क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन किए जा सकते हैं कि पर्टिकुलर रूल्स हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है, और उनको रेगुलेट कैसे करना है, अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए फिर सजा देना, काइंड ऑफ थिंग। चलो और क्या है, क्लासरूम में देखो फिजिकल एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है ना, कि सीटिंग कैसी है, क्लासरूम में कोई नॉइज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नीड में ही आ गई, क्योंकि सपोज करो गर्मी का दिन है, लाइट नहीं है, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे, है ना। और वही चीज़ें फिजिकल अरेंजमेंट, कि बच्चों को विंडो और डोर्स के पास नहीं बैठने देना जिनको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। और नॉर्मली भी जब विंडो से कोई आता जाता है, मतलब कुछ कोई चीज़ दिखती है तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या दरवाजों के बाहर से या गलियारे से कोई निकलता रहता है, गैलरी से कोई चाहता है, तो ऑफकोर्स ह्यूमन बीइंग एक हैबिट सी है कि कौन गया कौन आया, है ना। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि क्लासरूम को अच्छे से मैनेज किया जा सके। और क्या हो सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो कि सभी बच्चों पे अच्छे से ऑब्जर्वेशन की जा सके, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी भी हो कि टीचर आराम से यहाँ से वहाँ जा सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, या बच्चे भी जब कहीं जा सकें तो वो ईजली कहीं पे भी जा सकें, मतलब उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो सीटिंग अरेंजमेंट का ध्यान रखना। देन है रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एंड पनिश इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सिंपल सी बात है, इस पे तो साइकोलॉजी ही डिपेंड है, मतलब साइकोलॉजी के बेस पे ही है कि अच्छा बिहेवियर है तो उसको इनाम दो, चाहे वर्बल हो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, और अगर बुरा बिहेवियर है तो उसके लिए पनिश करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, या जैसी भी सिचुएशन है, जैसा भी बिहेवियर है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग सजा देना या रिवॉर्ड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल का काम करे, सोशल लर्निंग का काम करे। मतलब अगर कोई बच्चा बुरा करता है तो उसको सजा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ज़रूरी है। और अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है, अच्छा बिहेवियर करता है, डिजायर्ड बिहेवियर करता है, तो उसके लिए रिवॉर्ड देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि दूसरे बच्चे भी उसे देखें और वही चीज़ फॉलो करें, और क्या नहीं फॉलो करना चाहिए उसको भी ना फॉलो करें, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये सभी चीज़ें थी जिसके जरिए आप क्लासरूम मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ये सभी अप्रोच थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।